कंप्यूटर लैपटॉप के आधुनिक युग में व्यापारी वर्ग आज भी सालाना हिसाब किताब रोकड़ में लिखते हैं। इंदौर के खजूरी बाजार में आज नए रोकड़ बुक खरीदी की शुरुआत पुष्य नक्षत्र में हुई, जहां शहर के प्रसिद्ध गोयल स्टेशनरी के मालिक राजेंद्र कुमार गोयल ने बताया कि वह करीब 50 वर्षों से अपनी पुश्तैनी दुकान इंदौर के खजूरी बाजार में चला रहे हैं, जहां दिवाली के पूर्व आज यानी शनिवार को पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में रोकड़ खातों की पूजा की गई और आज से व्यापारी वर्ग रोकड़ की खरीदी करेंगे, जिसकी शुरुआत धनतेरस के पूजन के साथ होगी। गोयल के मुताबिक ये परंपरा है कि रोकड़ खाते हर वर्ष खरीदे जाते हैं। पुष्प नक्षत्र की खरीदी के बाद दीपावली पर रोक रखा तो पूजन करने पर व्यापारियों को लाभ मिलता है। वहीं खरीदी करने वाले ग्राहकों के मुताबिक हर वर्ष पुष्य नक्षत्र में रोकड़ खाते बदलते हैं तो उन पर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। साल भर का इंतजार करते हैं, वो अपने बही खाते उस हिसाब से लेके जाते हैं, दीपावली के पूजन करते हैं, फिर ये 1 अप्रैल से चालू होते हैं। इसका आज का दिन बहुत महत्व है। लोगों का कहना ये पड़ता है कि जिस दिन नक्षत्र पे अपन ने बही खाते लिए उसके उसको साल बहुत बढ़िया जाता है। सब बहुत कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं और किस तरह का मैं तो करीब 50 साल होगा सब मेरे कुछ अभी। आप हमने देखा आप पूजन पाठ कर रहे थे जी, तो क्या देखते हैं आप इस बिजनेस में और किस तरह से लाभ मिलता है लोगों को? लोगों को लाभ मिलता है ना, सब मुहूर्त में देख के आते हैं, मुहूर्त में लेते हैं। इसमें परंपरा रहती है कि आज जिससे आदमी लेता आ रहा है उसी आदमी से वो बहीखाते लेते रहता है। देखा ये भी जा रहा है कि कोरोना काल चल रहा है तो किस रोकड़ में अभी कोई फर्क पड़ा है? कोरोना काल से कोई ऐसा फर्क तो नहीं पड़ा, पर फिर भी कुछ 5-10% बिजनेस में फर्क जरूर पड़ा हम लोगों का इस दीपावली में। आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र कुमार गोयल है, मेरी फर्म का नाम है गोयल चोपड़ा भंडार। करीब में 40 से 50 साल हो गए मेरे को इसमें करते हुए। पहले मैं संयुक्त परिवार में था, उसके बाद मैं अलग होने के बाद मैंने 50 साल अलग से हो गए। भाई साहब, आप रोकड़ खरीदने आए हैं, क्या देखते हैं किस तरह का महत्व है आज के दिन का? आज का दिन का सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त माना जाता है, सभी जने शुभ मुहूर्त में बही खाते खरीदते, दिवाली पर पूजा करते हैं और 1 अप्रैल 2000 अगले साल से चालू होगी। आप क्या बिजनेस करते हैं और रोकड़ से क्या समझते हैं? मेरा प्लास्टिक का बिजनेस है, मैं उसमें अपना सारे रोकड़ में एंट्री रहती है, डेली का जमा नामे का सारी एंट्री। तो ये ना कि हर वर्ष आप नया रोकड़ बनाते हैं? हर वर्ष एक नया रोकड़ रहता है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का रहेगा। इस साल का चालू होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का। आज आप यहाँ पर आए हैं, अभी हमने देखा दुकानदार यहाँ पूजन कर रहे थे रोकड़ का, तो क्या आप भी घर में पूजन करेंगे अभी इस तरह का? आज नहीं, पूजन दिवाली के दिन होगा, आज ले जाकर रखते हैं और पूजन दिवाली के दिन जब महालक्ष्मी पूजा होगी उसमें बही खाते रखते हैं और 1 अप्रैल से चालू होता है। कितने वर्षों से ये परंपरा है और क्या है? मेरे पिताजी भी ले जाया करते थे, अभी ले जाते मुझे 10 साल हो गए हैं। मेरे पिताजी उससे पहले ले जाया करते थे, अब मैं आता हूँ ले जाने। आपका परिचय? मेरा परिचय हर्ष गोयल।